हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉमेडिक उज्ज्वल। सो आज मैं जा रहा हूँ फ्लैग पोलिंग के लिए जो कि यूएस कैनेडा बॉर्डर पे। सो लेट्स सी के फ्लैग पोलिंग होता क्या है और इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स गो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज फ्लैग पोलिंग, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट थ्रू फ्लैग पोलिंग एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। What is flag pulling? So flag pulling एक process है to get your work permit. So इस process के लिए आपको Canada से exit लेना है, आपको USA जाना है और USA से वो जो restricted area है वहाँ से आपको फिर से return होके आपको Canada आना है और Canada में आपको आके फिर से बताना है कि मैं work permit apply करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। So ये जो पूरी process है उस चीज़ को बोलते हैं ये लोग flag pulling। अब हम पहुंचने आए हैं पीस आर्क जो कि यूएसए बॉर्डर पे है और हम यहां पे करेंगे फ्लैग पोलिंग और जो कि ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने हैं, जस्ट 3-4 किलोमीटर बाकी है। सो लेट डिस्कस कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है जब आप फ्लैग पोलिंग के लिए जाते हो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर पासपोर्ट, बिकॉज आप कैनेडा से आप निकल कर आप यूएसए में जाते हो और यूएसए से फिर से यू टर्न लेके आप फिर से कैनेडा में एंटर करते हो, तो ऑफकोर्स अगर आप जैसे कंट्री चेंज कर रहे हो तो यू वुड रिक्वायर अ पासपोर्ट। सो आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, इसकी कोई भी कॉपी या कलर कॉपी या कोई भी ब्लैक एंड वाइट कॉपी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू हैव टू कैरी योर ओरिजिनल पासपोर्ट। इसमें मैं एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि कुछ लोगों के पास यूएसए वीज़ा होगा, टूरिस्ट वीज़ा, और कुछ लोगों के पास नहीं होगा। सो डोंट वरी, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि फ्लैग पोलिंग के लिए आपको यूएसए का वीज़ा चाहिए, यूएसए का वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है तो आप यूएसए में एंट्री ले सकते हो और जो कि आप एंट्री लेने के बाद जो भी कोई छोटा सा टाउन है वहाँ पे अगर आपको वहाँ पे भी विजिट करना है तो यू कैन विजिट इट। मैं नहीं गया था क्योंकि मेरे साथ जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उनके पास वीज़ा नहीं था, मेरे पास था लेकिन मेरे फ्रेंड के पास नहीं था। सो वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू यूएसए बट वी हैव जस्ट टू बी यू टर्न एंड वी केम बैक टू कैनेडा। सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर स्टडी परमिट। येस, सो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए, उसकी भी कोई कॉपी या कोई भी ब्लैक एंड वाइट कॉपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू हैव टू कैरी द ओरिजिनल स्टडी परमिट। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर कंप्लीशन लेटर। मोस्ट ऑबली सबको वैसे तो पता ही होगा कि एक बार आपका कंप्लीशन लेटर आपको मिल जाता है उसके बाद आप जॉब नहीं कर सकते हो। सो प्लीज डोंट मेक अ फूल टू अ गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा कि उनको पता नहीं चलेगा या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं जॉब करूँगा। बट आई हैव सीन फ्यू ऑफ द केसेस, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था पूरा फ्लैग पोलिंग का, तब मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कंप्लीशन लेटर मिलने के बाद भी उन्होंने जॉब की थी तो उनका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट रिजेक्ट हुआ था एंड दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्री। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार कंप्लीशन लेटर आपके हाथ में आ जाए बाय ईमेल और बाय मेल, यू डोंट हैव टू वर्क, आप काम करना बंद कर दीजिए और यहाँ के एम्प्लॉयर आपको कोई फोर्स नहीं करेगा कि इनको पता है प्रोसेस कि एक बार जैसे ही आपको कंप्लीशन लेटर मिल जाता है यू आर नॉट लायबल टू वर्क बिकॉज नाउ यू आर नो मोर अ स्टूडेंट, आपका कोई स्टेटस नहीं है यहाँ पे एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर दी वर्क परमिट। सो आप कंप्लीशन लेटर की आप कलर कॉपी करवा सकते हो और आप आपके साथ कैरी करवा सकते हो। अगर आपको कॉलेज से डायरेक्ट आपके घर पे ही अगर मेल आया है तो यू कैन गेट दैट ओरिजिनल कॉपी
और एल्स अगर आपको ईमेल आई है तो आप उसको डाउनलोड करके और आप उसकी कलर कॉपी निकलवा सकते हो और आप ले जा सकते हो. सो द लास्ट डॉक्यूमेंट इज योर ट्रांसक्रिप्ट. सो यू हैव टू कैरी दी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट. आपको जो भी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपको ईमेल में या घर पे आपको अगर मेल आई है तो वो आपको कैरी करना है. लेकिन मैं आज अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट लेके मैं अप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि अभी तक मुझे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिली है. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जैसे ही आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए अब तक आप फ्लैग पोलिंग के लिए जा सकते हो. बट मैं जो है वो मैं अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट से मैं अप्लाई करने वाला हूँ. So, इसके बाद कौन से स्टेप है और आपको कहां कहां आपकी वर्क परमिट आपको अपडेट करनी है, चलिए देखते हैं. So, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है फॉर योर TRV, दैट इज टेम्पररी रेसिडेंट वीजा. सो बेसिकली एक बार आपका वर्क परमिट इश्यू हो जाता है तो अगर आपको इंडिया जाना है और इंडिया से वापस रिटर्न आना है तो आपको फिर से आपको वीजा लगेगा. बिकॉज योर वर्क परमिट इज नॉट योर वीजा, इट इज जस्ट अ स्टेटस कि आप यहाँ पे स्टूडेंट थे और स्टूडेंट में से अब आप वर्कर हो चुके हैं, तो ये आपका एक स्टेटस है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल टू इंडिया और इंडिया से आपको वापस आना है तो अगेन यू नीड अ वीज़ा. सो जैसे ही वर्क परमिट आती है सबसे पहले आपको अप्लाई करना है फॉर TRV विच इज टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा. सो नेक्स्ट इज योर सीन नंबर में जो आपका अभी स्टेटस रहेगा वो आपका रहेगा स्टूडेंट. सो यू नीड टू चेंज योर स्टेटस फ्रॉम स्टूडेंट टू अ वर्कर. सो ये आपका पूरा ऑनलाइन ही है, आपको कोई सर्विस कैनेडा में नहीं जाना है. जैसे आपने पहले आप गए होगे आपका सीन नंबर जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे अभी आपको वहाँ नहीं जाना है. यू कैन इजीली अप्लाई ऑनलाइन और वो विद इन 10-12 डेज में आपको घर पे मेल आ जाएगा. और अगर आपको वहाँ पे जाके भी अगर आपको करना है तो यू कैन गेट एन अपॉइंटमेंट एंड यू कैन गो एट दी सर्विस कैनेडा एंड यू कैन डू दैट. सो दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो और आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो. इसके बाद आपको अपडेट करना है अबाउट योर MSP विच इज मेडिकल सर्विस प्लान. जो आपने यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया का अगर आपने मेडिकल लिया हुआ है प्लान तो आपको वो भी अपडेट करना होगा क्योंकि अभी आपको एवरी मंथ $75 आप पे कर रहे होगे. क्योंकि जैसे ही आप अगर वर्क परमिट में अगर आते हो तो इट इज़ टोटली फ्री, मेडिकल आपका फ्री हो जाएगा. तो उस चीज़ के लिए भी आपको आपके अकाउंट में जाना है और आपको वहाँ पे आपको मैनेज अकाउंट में जाके यू नीड टू फिल द फॉर्म एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैम दैट यू वॉन्ट टू चेंज योर स्टेटस फ्रॉम स्टूडेंट टू वर्कर. और वहाँ पे आपको दो चीज़ आपको अपलोड करनी रहेगी जो कि वर्क परमिट एज वेल एज योर कंप्लीशन लेटर. और जैसे आप सबमिट करोगे विद इन 10-12 डेज में आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा. और आपको 3 महीने, इसके बाद भी आपको 3 महीने वैसे आपको $75 पे करने ही होंगे क्योंकि वो 3 महीने उनका प्रोसेस है. वो 3 महीने आपको $75 आपको पे करने ही होंगे और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा. सो द नेक्स्ट इज यू हैव टू ऑल्सो चेंज योर स्टेटस इन योर बैंक अकाउंट. सो यू हैव टू विजिट अ बैंक, जो भी आपका स्कोशिया बैंक या CIBC या जो भी बैंक हो वहाँ पे आपको जाना है और आपको अपडेट करना है कि मैं अब स्टूडेंट नहीं अब वर्कर हूँ. वो शायद कुछ बैंक में आपको वर्क परमिट वो लोग मांगेंगे और कुछ में नहीं. जैसे कि मैंने स्कोशिया बैंक में किया था तो वहाँ पे मुझे वर्क परमिट नहीं मांगा था लेकिन मेरे पास था वर्क परमिट, तो मैंने जस्ट उनको इन्फॉर्म किया एंड दे हैव चेंज माई स्टेटस फ्रॉम स्टूडेंट टू अ वर्कर. सो इट डिपेंड्स ऑन बैंक. सो इट इज़ बेटर कि आप वो वर्क परमिट आपके साथ कैरी करो और वहाँ पे आपको सिर्फ आपको वहाँ पे जाके अपडेट करना है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एम्प्लॉयर को भी अपडेट करना होगा क्योंकि आपके एम्प्लॉयर आप जहाँ पे जॉब करते हो वहाँ पे भी आपका स्टेटस है वो स्टूडेंट ही होगा. सो नाउ यू आर एलिजिबल टू वर्क एज अ फुल टाइम लाइक मोर देन 20 आवर्स. सो यू हैव टू इन्फॉर्म दैम कि आप अभी स्टूडेंट से आप वर्कर हो चुके हो और ये मेरा वर्क परमिट है और आप उनको वर्क परमिट आपको सबमिट करना है एंड दे विल डू द प्रोसेस. बट जैसे ही आपको वर्क परमिट आपको मिल जाता है यू ऑल्सो हैव टू अपडेट टू योर एम्प्लॉयर सो दैट यू कैन वर्क फुल टाइम. सो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस कि बॉर्डर पे मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा और प्रोसेस कैसे होता है. सो जैसे ही हम US चेक पोस्ट पे पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आप USA क्यों जाना चाहते हो, तो वी हैव टोल्ड देम दैट वी हैव केम
फॉर अ फ्लैग पुलिंग, क्योंकि सब लोग आते तो उनको प्रोसेस पता ही है, तो उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट चेक किया एंड दे हैव रीडायरेक्टेड कि आपको ये बिल्डिंग में जाना है एंड यू हैव टू डू द सर्टन प्रोसेस ओवर देयर। सो हम वहाँ पे वो बिल्डिंग में गए और उन्होंने हमारा पासपोर्ट चेक किया वहाँ पे और हमारा फिंगरप्रिंट्स लिए यहाँ वहाँ पे, एंड देन अगेन दे हैव रीडायरेक्टेड विद, ये जो प्रोसेस है वो इट वुड डिपेंड ऑन कि आप आपके आगे कितने लोग हैं, अगर क्यू में है कोई तो उतना टाइम लगेगा, वरना ये पूरे प्रोसेस के लिए इट वुड जस्ट टेक 5 to 10 minutes जो वो लोग पासपोर्ट पूरा चेक करते हैं और आपका फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, तो इट वुड जस्ट टेक 5 to 10 minutes। वहाँ से फिर से आपको वो लोग रीडायरेक्ट करके आपको बोलेंगे कि आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हो और आप फिर से कनाडा की ओर जा सकते हो। सो जैसे ही हम आप कनाडा की ओर जाओगे तो फिर से कनाडा का चेक पोस्ट आएगा। जैसे आप कनाडा चेक पोस्ट पर पहुँचते हो तो वो फिर से आपको पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो, तो यू हैव टू अगेन इन्फॉर्म दैट वी हैव केम फॉर फ्लैग पुलिंग। तो वो समझ जाएंगे, तो वही आपको नॉर्मल जो भी है क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर आपके पास कोई इलीगल कोई चीज़ है जो आप यूएसए से लाए हो, या सो यू हैव टू टेल नो कि हम तो सिर्फ यू टर्न करके फिर से आए हैं, सो वी डोंट हैव एनीथिंग। फिर से आपको वो लोग पासपोर्ट चेक करके चेक पोस्ट पे अगेन दे वुड बी रीडायरेक्टिंग कि आपको ये बिल्डिंग में जाना है एंड यू हैव टू डू द प्रोसेस। सो आपको वहाँ पे जाना है और इसमें भी इट वुड जस्ट टेक अराउंड 20 to 30 minutes एंड इट वुड अगेन डिपेंड ऑन कि आपके आगे क्यू में कितने लोग हैं। जैसे आप वहाँ पे पहुँचोगे यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म दैट यू केम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट और वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे जो कि आपके पासपोर्ट है, आपका स्टडी परमिट है, आपका कंप्लीशन लेटर है और आपके ट्रांसक्रिप्ट है। कभी कभी होगा जैसे कि हमारे केस में जो मेरे दो फ्रेंड साथ में थे तो उनको कुछ नहीं पूछा, उनका जस्ट डॉक्यूमेंट्स ले लिया और उन्होंने उनको बोला कि आप जस्ट बैठिए वी विल कॉल यू, बट मुझे उन्होंने सिर्फ 2 से 3 सवाल किए जैसे कि आप ये लास्ट 6 months में आप कहीं कोई और कंट्री में आप गए हो या नहीं, या कोई आपके यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई क्राइम आपसे हुआ है या नहीं, एंड दे हैव चेक माई पोर्टल जो कि मेरा जो कॉलेज का पोर्टल है जस्ट टू वेरीफाई कि वो मेरा ही पोर्टल है, मेरा ही नाम रजिस्ट्रेशन है और जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ वो मेरे नाम से वो पूरा मैच करता है। सो ये उन्होंने चेक किया एंड अगेन दे हैव टोल्ड कि आप बैठिए हम आपको बुलाएंगे। विद इन 5 to 10 minutes दे हैव कॉल्ड और उन्होंने बोला कि यू जस्ट हैव टू पे द फीस विच इज़ $255 और वो आप कौन से भी मोड में आप पे कर सकते हो, कैश या कार्ड के थ्रू, तो आप वहाँ पे पे करके और फिर से उनको सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है दैट यू हैव पेड द फीस और वो लोग आपको वर्क परमिट वहीं पे आपको दे देंगे और वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई आप देख लीजिए वर्क परमिट, आपका नाम बराबर है, आपका एड्रेस देख लीजिए और उसमें जो कंडीशंस है वो आप कंडीशंस चेक कर लीजिए। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सब कुछ एक बार वहाँ से निकलने से पहले आप पूरा चेक कर लीजिए, आपका नाम स्पेलिंग में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, फिर आपका एड्रेस, आपकी जो परमिट की जो डेट है, क्योंकि आई हैव कम्प्लीटेड अ मास्टर्स सो मुझे 3 साल की वर्क परमिट मिलनी चाहिए, तो मैं वो चेक करूँगा कि यस कि मेरा ये जो वर्क परमिट है वो 3 साल के लिए है कि नहीं है। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि ये ओपन वर्क परमिट है कि नहीं है, बिकॉज अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इज़ एन ओपन वर्क परमिट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट हाँ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस होंगे जो आपको ऑलरेडी वर्क परमिट में लिखे होंगे, तो वो आप सिर्फ चेक कर लीजिए वो आप एलिजिबल हो उस चीज़ के लिए या नहीं, और जैसे आप चेक कर लो यू हैव टू जस्ट एग्जिट एंड यू कैन गो। सो एकदम ही इजी प्रोसेस है एंड विद इन ऑलमोस्ट हमें सिर्फ 20 to 25 minutes लगे ये प्रोसेस करने के लिए एंड वी गॉट अ वर्क परमिट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लैग पोलिंग। सो होप मैंने पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझाई है और अगर आप भी फ्लैग पोलिंग करना चाहते हो सो यू कैन प्रोसीड इट और जैसे मैंने आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस दी है यू कैन फॉलो इट एंड यू कैन डू इट। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक टू माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।